जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो रेलवे की बॉन्ड पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आप कि रेलवे में किसी जॉब को छोड़कर आप दूसरी जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको जो बॉन्ड देना पड़ता है तो उसमें आपको कितना पैसा देना पड़ता है, उसकी जो टर्म एंड कंडीशन क्या है, आपको कब पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ऐसा कौन सा तरीका जिससे आप बॉन्ड देने से बच सकते हो, किस पोस्ट के लिए आपको बॉन्ड देना पड़ता है, किस पोस्ट में आपको बॉन्ड नहीं देना पड़ता है, इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपको बॉन्ड है वो आपको कब देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो बॉन्ड है आपको, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो आपको एक बॉन्ड पेपर होता है जो आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको जमा करवाना रहता है। उसमें लिखा होता है कि जब आप अगर रेलवे को इस पोस्ट को छोड़कर अगर किसी दूसरी पोस्ट को ज्वाइन करते हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे कहीं पर भी अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आपको जो बॉन्ड है वो देना पड़ेगा। उसमें आपके साइन रहेंगे, आपके फादर वगैरह के भी साइन रहते हैं। तो इस तरह जो आपको एक बॉन्ड पेपर है वो आपको जमा करवाना पड़ता है। इसमें लिखा होता है यदि आप रेलवे की इस पोस्ट को अगर 5 साल से पहले अगर छोड़ते हो तो ही आपको बॉन्ड जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 5 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई बॉन्ड जमा करवाना नहीं पड़ेगा। 5 साल के बाद जो आपकी जो बॉन्ड सर की जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। 5 साल के बाद आप ऐसे ही छोड़ के जा सकते हो, आपको किसी प्रकार के बॉन्ड का पैसा देना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले छोड़ के जाओगे किसी भी पोस्ट को तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। तो आपको जब बॉन्ड कब देना पड़ता है, जब आप जिस पोस्ट में आप भर्ती हुए हो अगर उस पोस्ट को 5 साल से पहले आप रिजाइन करके और आप दूसरी पोस्ट ज्वाइन करते हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट को आप ज्वाइन करते हो, तो आपको जो बॉन्ड का पैसा है वो भरना पड़ता है। तो जब आप रिजिग्नेशन दोगे तो आपको उस वक्त आपको जो बॉन्ड का पैसा है वो आपसे लेंगे, उसी के बाद आपको रिजिग्नेशन देंगे। अगर आप बॉन्ड का पैसा नहीं दोगे तो आपको वो रिजाइन नहीं देते हैं। अब हम देखेंगे कि जो बॉन्ड का पैसा है वो किस किस एम्प्लॉय को देना होता है। अब हम देखते हैं जो बॉन्ड किस कर्मचारी को देना पड़ता है, किस कर्मचारी को नहीं देना पड़ता। तो जो आपका बॉन्ड है जिस भी पोस्ट पे आप भर्ती हुए हैं अगर उस पोस्ट पे ट्रेनिंग पीरियड है तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेनिंग नहीं होगी उस पोस्ट पे तो आपको किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। तो जिन जैसे मान के चलिए आप स्टेशन मास्टर ज्वाइन हुए तो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें 90 वर्किंग डेज की, आपको उसमें बॉन्ड देना पड़ेगा। ट्रेन मैनेजर की होती है आपकी, पॉइंट्समैन की होती है आपकी, ALP की होती है, टेक्नीशियन की होती है, जो इन सब की जो ट्रेनिंग है, तो जो जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे तब तक का आपको जो बॉन्ड है वो देना पड़ेगा। तो और जिन पोस्टों में आपकी ट्रेनिंग नहीं होती उनमें आपको किसी प्रकार का कोई बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन पोस्टों में आपकी ट्रेनिंग होगी उनमें आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि जो आपको बॉन्ड में आपको कितना पैसा देना पड़ता है। तो रेलवे जो आपको ट्रेनिंग में आपकी जो सैलरी जैसे आप स्टाइपेंड कहते हैं वो जो जितनी भी आपको सैलरी या स्टाइपेंड देगी वो उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग में जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा उसका 12.5% आपसे ब्याज लिया जाएगा। इन दोनों को ऐड करके आपसे जो बॉन्ड का पैसा लिया जाएगा। तो जितने जिसकी ट्रेनिंग जितने ज़्यादा दिन की होगी उसका जो बॉन्ड का पैसा उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा और जो उसका जो स्टाइपेंड है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये जो दोनों चीज़ है वो रेलवे आपसे लेगी। तो रेलवे आपसे बॉन्ड क्यों लेती है, क्योंकि रेलवे को ऐसा लगता है कि जब रेलवे आपको ट्रेनिंग दे रही है तो रेलवे आपको पढ़ा भी रही है और आपको पैसे भी दे रही है। तो रेलवे का ये सिस्टम है कि जब आपने काम ट्रेनिंग में आप कोई काम नहीं करते रेलवे के लिए तो आपको जो पैसे दे रही है उसको वापस चाहिए अगर आप रेलवे में सर्विस नहीं देते हो, क्योंकि उस ट्रेनिंग से रेलवे को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप रेलवे में सर्विस देते हो तो ही जो रेलवे ने आपको ट्रेनिंग दी है उसका रेलवे को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप रेलवे को छोड़ के कहीं और ज्वाइन करते हो तो रेलवे को आपको जो ट्रेनिंग दी है उसका किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए रेलवे चाहती है कि जब आपको ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दी है उसका रेलवे कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप जो ट्रेनिंग का पैसा है जो आपको हमने एज ए स्टाइपेंड के तौर पे दिया है वो और आप 12.5% उसका ब्याज का ऐड करके दीजिए। तो क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिनको हम बॉन्ड देने से बच सकते हैं, तो हाँ ऐसे कुछ तरीके हैं अगर जिनका हम यूज करते हैं तो हमको बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम देखते हैं कि बॉन्ड देने से हम कैसे बचें। तो सबसे पहले मान के चलिए आप जो लेवल फाइव की पोस्ट पे आप इनिशियल भर्ती हुए रेलवे में और आप रेलवे को छोड़कर किसी लेवल 6 की पोस्ट में जाना चाहते हो, तो क्या आपको बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जब आपने लेवल 6 की किसी अदर में जब आपने एग्ज़ाम दी तो उसका रेलवे को इंटीमेशन दिया या नहीं दिया, और रेलवे से आपने उस पोस्ट के लिए NOC ली या नहीं ली। अगर आपने रेलवे से उस पोस्ट के लिए NOC ली तो आपको बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने उसके लिए NOC नहीं ली तो आपको बॉन्ड देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जैसे मान के चलिए कोई लेवल 4 की पोस्ट में जॉब कर रहा है रेलवे में और वो लेवल 6 में जाना चाहता है किसी और
जॉब में, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, तो लेकिन उसने इंटीमेशन नहीं दिया रेलवे को कि मैं इस पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, और उसने एनओसी नहीं ली उसके लिए, तो उसको बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो हायर लेवल में जाए या चाहे हायर लेवल में नहीं जाए। लेकिन अगर आपने रेलवे को इसका इंटीमेशन दिया और आपने इसके लिए एनओसी ली, तो आपको जो बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप ज्वाइन करते हो और उसके बाद आप किसी भी पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करते हो, तो आपको सबसे पहले रेलवे को एक इंटीमेशन देना चाहिए, एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि हम ये पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको छोड़ के उस पोस्ट को ज्वाइन करेंगे, इसके लिए आप हमें एनओसी दीजिए। तो इस तरह अगर आप करते हो तो आपको बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर टेक्निकल रिजाइन देते हो तो भी आपको बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन जो आपका टेक्निकल रिजाइन है वो रेलवे जनरली बहुत कम चांस है जिसमें आपको टेक्निकल रिजाइन देती है, वरना जनरली रेलवे आपको टेक्निकल जो रिजाइन है वो नहीं देती। टेक्निकल रिजाइन किस कंडीशन में आपको देती है, जब आपने एनओसी ली हो तो ही आपको टेक्निकल रिजाइन मिलेगा, या फिर आप रेलवे टू रेलवे जा रहे हो, जैसे मान के चलिए आप रेलवे में स्टेशन मास्टर हो, उसके बाद आप नॉर्दर्न रेलवे में, और आप उसको नॉर्दर्न रेलवे की पोस्ट को छोड़ के आप ईस्टर्न रेलवे में एज ए CCTS जाना चाहते हो या स्टेशन मास्टर ही जाना चाहते हो, तो आपको इसके लिए टेक्निकल रिजाइन मिल जाता है, क्योंकि आप रेलवे टू रेलवे जाना चाहते हो तो भी आपको बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको इसके लिए एनओसी लेनी पड़ती है अगर आपने ज्वाइन करने के बाद फॉर्म भरा है। लेकिन अगर आपने मान के चलिए आपने लेवल 4 की पोस्ट ज्वाइन कर ली, लेकिन जो लेवल 6 की पोस्ट है उसके लिए आपने पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दिया यहाँ रेलवे में ज्वाइन करने से पहले, तो जब आप ज्वाइन करते हो तब रेलवे को आप एक को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आपने जो लेवल 6 के लिए फॉर्म भर रखा है, आपने उसकी एग्जाम पास कर रखी है, अगर आपको लेवल 6 में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आप इस लेवल 4 की पोस्ट को छोड़ के लेवल 6 में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप चले जाओगे। तो ये आपको अगर आप इंटीमेशन देते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपको एनओसी आसानी से मिल जाएगी और टेक्निकल रिजिग्नेशन भी आपको आसानी से मिल जाएगा, और जब ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी तो आपको बॉन्ड का पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो न्यू एम्प्लॉयर मान के चलिए आप जो एक कैंडिडेट है वो रेलवे में लेवल 4 की पोस्ट पर है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मान के चलिए किसी भी डिपार्टमेंट में वो लेवल 6 की पोस्ट पे जाना चाहता है, तो रेलवे से को पहली बात तो इसके लिए रेलवे हाँ ही नहीं करेगी, बहुत कम चांस है जिसमें अगर आप थोड़ी बहुत बहस करोगे तो ही रेलवे इसके लिए हाँ करेगी। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप जहाँ आप ज्वाइन करना चाहते हो उसको आपको बोलना है कि हम रेलवे में लेवल 4 की पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा एक बॉन्ड की पॉलिसी है, अगर आप वो बॉन्ड एक्सेप्ट करते हो तो अगर ये लेवल 6 जो आपका नया एम्प्लॉयर है जिसके यहाँ आप लेवल 6 में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर वो आपका बॉन्ड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है तो रेलवे आपका जो बॉन्ड देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेलवे जो आपका बॉन्ड है वो इसको ट्रांसफ़र कर देगी। फिर उसके बाद कभी आप जब लेवल 6 की जॉब को छोड़कर कहीं और ज्वाइन करना चाहोगे तो जो बॉन्ड है वो आप बॉन्ड का पैसा आपको इसको देना पड़ेगा, जो आपका न्यू एम्प्लॉयर रहेगा उसको आपको बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा, रेलवे को किसी प्रकार का कोई बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका, क्योंकि जो आपका नया एम्प्लॉयर है उसको भी कन्वेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कन्वेंस कर सकते हो उसको कुछ ऑर्डर की जो कॉपी है वो दिखाइए, उसके बाद आपका जो अगर नया एम्प्लॉयर आपका जो बॉन्ड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है तो रेलवे आपका जो बॉन्ड है वो नया एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड कर देगी। उसके बाद जैसे ही नया एम्प्लॉयर है उसको जो आपका लेटर बना के अगर रेलवे को भेजेगा कि हमने इसका बॉन्ड एक्सेप्ट कर लिया है आप इसको रिजाइन दे सकते हो, तो ही जो आपकी रेलवे आपको रिजिग्नेशन दे देगी और आपको किसी प्रकार का कोई बॉन्ड देना नहीं पड़ेगा। फिर एक कंडीशन होती है आपकी, जैसे आप रेलवे टू रेलवे जाते हो उसमें भी आपके एक चांस है कि आपको बॉन्ड देने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसके लिए आपको यही है कि आपको पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा, और उसमें आपको अगर आपने एनओसी के लिए अप्लाई भी नहीं किया है तो अगर आपने इंटीमेशन भी दे दिया है तो भी आपको बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हमको बॉन्ड देने से हम बच सकते हो। अगर ये तरीके अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा, जिसमें मान के चलिए कोई अगर जेई है तो उसकी एक साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपका लेवल 6 की पोस्ट है तो इसमें आपकी जो स्टाइपेंड मिलता है वो लगभग 53,000 मिलता है, तो एक साल का स्टाइपेंड मान के चलिए आप 6,00,000 रुपये, तो 6,00,000 रुपये तो ये इसका और ब्याज आप समझ सकते हो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये पॉलिसी अपनाते हो तो आपको ये जो बॉन्ड देने से आप बच सकते हो। तो अगर बॉन्ड से रिलेटेड भी आपको किसी प्रकार की और कोई क्वेरी बची हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।